कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राग काफी क्या है? तो राग काफी का ना वादी स्वर क्या है? किसका? तो राग काफी का वादी स्वर क्या है? तो राग काफी का वादी स्वर है प। क्या है? तो प। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राग विहाग की जाति क्या? अब राग काफी तो समझ गया, अब राग विहाग की जाति बता रहे हैं। तो राग विहाग की जाति क्या है? तो राग विहाग विहाग की जाति है औरव संपूर्ण। क्या है? तो राग विहाग की जाति है औरव संपूर्ण। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताल की कितनी तालियां हो जातियां है? क्या कि ताल की ना किसकी? तो ताल की कितनी जातियां? ताल की कितनी जातियां है? तो ताल की 8 जातियां। कितनी ताल की जातियां है? तो 8 जातियां। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीन ताल में कितनी तालियां होती है? तो तीन ताल में तो तीन ही तालियां होगी। तीन ताल मतलब कितनी तालियां होगी? तीन को तालियां होगी। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं? किसमें? तो संगीत जो है म्यूजिक यानी कि संगीत, इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 4 वर्ण होते हैं। संगीत में कितने वर्ण होते हैं? तो संगीत में 4 वर्ण होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं? किसमें? ताल दादरा। ताल दादरा जो है ताल दादरा, इसमें कितने विभाग होते हैं? तो इसमें 3 विभाग होते हैं। ताल दादरा में 3 विभाग होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि रागों की कितनी जातियां होती है? किसकी? तो रागों की। रागों की ना कितनी जातियां होती है? तो इसकी 3 जातियां होती है। रागों की 3 जातियां होती है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या 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 कहा जाता है? क्या क्वेश्चन कहा है? संगीत उपयोगी क्या? तो संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या कहा जाता है? तो संगीत उपयोगी उपयोगी मधुर स्वर को नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नाद कहा जाता है। संगीत उपयोगी मधुर स्वर को नाद कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं? नाद की ना किसकी? तो नाद की कितनी विशेषताएं? कितनी विशेषताएं बताइए? तो इसकी 2 विशेषताएं, नाद की 2 विशेषताएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रुति किसे कहते हैं? क्या? तो श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? तो जो सुना जाए। श्रुति मतलब श्रुति, इसका मतलब क्या होगा? तो श्रुति मतलब जो सुना जाए। सुना जाए कि उसको क्या कहेंगे? तो श्रुति कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है संगीत में मूल स्वर कितने हैं? किसके? तो संगीत में ना मूल स्वर कितने हैं? तो संगीत में मूल स्वर है 7। संगीत में मूल स्वर है 7। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से गार्जनी क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से मतलब 4 ऑप्शन में से गार्जनी, गार्जनी ये क्या है? तो गार्जनी जो है ये श्रुति है। ग्राजनी क्या है? तो ग्राजनी श्रुति है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? किसमें? तो थाट में, थाट में, थाट में ना कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? तो 4 स्वरों का। कितने स्वरों का? तो 4 स्वरों का। थाट में 4 स्वरों का होना अनिवार्य है यानी महत्वपूर्ण होना ही चाहिए। थाट में 4 स्वर होने ही चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कोमल त्रिभुज तथा शुद्ध स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर एक सप्तक में होते हैं? क्या क्वेश्चन करा है? फिर से समझेंगे कि कोमल त्रिभुज तथा शुद्ध स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर एक सप्तक में होना चाहिए? तो 12 स्वर। कितने? तो 12 स्वर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? किस गायन के साथ? तो ठुमरी। क्या? तो ठुमरी गायन। ठुमरी गायन जो है ना इसके साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। ठुमरी गायन के साथ 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख लकीरियां कितने प्रकार के होते हैं? क्या? तो मुख लकीरियां ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखने क्या क्वेश्चन है कि तबले का कौन घराना उत्तर प्रदेश में नहीं है? तबले का कौन सा घराना है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो दिल्ली का घराना। दिल्ली का घराना क्या है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विलवित व्याख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम बताएं। क्या क्वेश्चन करें? पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर देखेंगे। विलवित क्या? तो विलवित व्याख्याल के साथ बजने वाले ताल का नाम क्या है? तो दीपचंदी ताल। किसके साथ? तो विलवित ख्याल के साथ बजने वाले ताल का नाम बताना था। तो क्या नाम है? तो दीपचंदी ताल। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि दादरा गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? किस गायन के साथ? तो दादरा। दादरा जो गायन होता है ना इसके साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो दादरा का। देखिए दादरा और गायन, इसमें ताल तो ताल हो जाएगा दादरा। दादरा गायन में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो दादरा का ही। ठीक है, दादरा का ही। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राग यमन का स्वादी संवादी स्वर क्या है? राग यमन किसका? तो राग यमन जो है इसका संवादी स्वर क्या है? तो इसका संवादी स्वर है नी। राग यमन का संवादी स्वर है नी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि चल स्वर में कितने हैं? चल स्वर कितने हैं? चल स्वर जो है, चल स्वर ये कितने हैं? तो ये 5 है। चल स्वर कितने हैं? तो चल स्वर 5 है। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है विद्यापति गीत किस अंचल का है, कौन सा गीत, तो विद्यापति गीत, विद्यापति गीत जो है ना ये किस अंचल का है, तो मिथिला का है, किसका, विद्यापति गीत तो अंचल का है, विद्यापति गीत जो है ना किस अंचल का है, तो मिथिला का है, अंचल मतलब मिथिला, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद की कितनी मात्राएं, किसकी, तो ध्रुपद की ना, ध्रुपद, ध्रुपद की कितनी मात्राएं होती है, तो ध्रुपद की 16 मात्राएं होती है, ध्रुपद की 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यानी चार जो राग का नाम दिया ना ऑप्शन में कि निम्न राग मतलब चार का राग राग दिया, चार नाम चार ऑप्शन दिया जो कि चार राग है, अब इस चारों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं, कौन है जिसको कि दोनों मध्यम में लगते, कौन, तो केदार, केदार राग ऐसा राग है जिसमें कि दोनों मध्यम में लगते, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, देखिए लेखक वाला जितने भी क्वेश्चन है वो याद ही रखना है, लेखक वाला क्वेश्चन आते ही रहते हैं, अभिनव राग मंजरी क्या, किस क्या, तो अभिनव राग मंजरी, इसके लेखक या फिर इसके रचयिता कौन है, तो मतंग, मतंग क्या है, तो अभिनव राग मंजरी के लेखक है, राग मंजरी के लेखक कौन है, तो राग अभिनव राग मंजरी के लेखक है मतंग, ऑप्शन हो जाएगा डी।